नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आज कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर आयोजित करवाया गया था और इस पेपर में राजस्थान सामान्य ज्ञान से, इसके अलावा करंट अफेयर्स और सामान्य विज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, जिसका आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जो आपके अपकमिंग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एक तो कल होगा आपका कंप्यूटर स्ट्रक्चर का और पेपर होगा, इसके अलावा वीडियो मेंस के लिए लेब असिस्टेंट, पीटीआई, लाइब्रेरियन और रीट इत्यादि वेरियस अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये सेशन बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो लाइव जुड़ने वाले सभी दर्शकों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत। राजेंद्र सिंह जी, गुड इवनिंग सभी को। नरेंद्र स्वामी राजाराम जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और इस वीडियो को एक बार अपने और मित्रों के साथ में भी शेयर कर दीजिए, ताकि और भी ज्यादा दर्शक जुड़ पाए। उसके बाद में हम प्रश्नों का एनालिसिस है वो स्टार्ट करेंगे। और मेरी आवाज आप तक क्लियरली पहुंच पा रही है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं आप सभी को। गुड इवनिंग। मेरी आवाज आप तक क्लियरली आ रही है तो एक बार बताइए। रुपेश जी, जीताराम जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए मित्रों, प्रश्नों की ओर चलेंगे अब हम। पहला प्रश्न है आज के पेपर का। पहला प्रश्न, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह व प्रतिभोज को क्या कहते हैं? ये राजस्थान की परंपरा और विरासत से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। इस पेपर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो राजस्थान में कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं, राजस्थान जीके से संबंधित, वो भी मैं आपको साथ ही साथ बताते हुए चलूंगा, ताकि आपको पता चल सके कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं और प्रश्नों का नेचर क्या है पूछे जाने का। तो देखिए, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए जो आशीर्वाद समारोह और प्रतिभोज जो दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? विकल्प है बड़ार, आणो, उलंदी और कू। आप कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों का जवाब साथ ही साथ देते हुए चलिए, ताकि आपको अपनी तैयारी का भी आकलन हो जाए कि कितनी क्या आपकी तैयारी है। तो इसमें राइट आंसर होगा विकल्प नंबर एक, बढ़ार। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बढ़ार, जिसे बढ़ार का भोज भी कहा जाता है। ये प्रश्न पहले भी कई बार पूछा जा चुका है कि बढ़ार क्या है या फिर बढ़ार का भोज दिया जाता है वर पक्ष के द्वारा या वधु पक्ष के द्वारा, इस प्रकार से भी पूछा जाता है। तो देखिए, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ार। और एक शब्द आता है जानोटन, आपको ध्यान में रखना है क्या नाम है, जानोटन। ठीक है, सही से लिखा नहीं जा रहा है, आप वॉइस पर प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए। जानोटन जो होता है ये वधु पक्ष द्वारा विवाह के अवसर पर जो भोज दिया जाता है वधु पक्ष की ओर उसे कहते हैं जानोतन, और वर पक्ष की ओर से जो भोज दिया जाता है उसे कहते हैं बढ़ार। इसके अलावा जो ओलंदी है, यानी कि नववधु जब पहली बार ससुराल जाती है तो उसके साथ में एक और स्त्री जाती है उसकी देखभाल के रूप में, तो उसे ओलंदी ओलंदी कहा जाता है। और भील जनजाति के घरों को स्थानीय भाषा में कू या टापरा कहा जाता है। सुभाष जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, भीलों के घरों को ही कू कहते हैं। अगला जो प्रश्न है ये जनरल साइंस से जुड़ा है। जनरल साइंस के कुछ एक प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसमें कौन सा है वो करेक्टली मैच नहीं है ये पूछा गया है। तो एड्रिनलिन ये क्या है? ये एक हार्मोन है
DOTS ये क्षय रोग यानी कि टीबी से संबंधित जो रोग होता है उसके उपचार के लिए DOTS ठीक है, और DPT टीका, डिप्थीरिया पर्टुसिस जो होता है उसके लिए DPT का टीका लगाया जाता है, आप सभी को पता है। और AB पॉजिटिव ये ब्लड ग्रुप है जिसे यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है, ये बिल्कुल ही गलत है ठीक है, क्योंकि सर्वदाता जो होता है वो निगेटिव होता है, इसीलिए आपका डी है ये करेक्टली मैच नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है यानी कि प्राचीन रियासती काल में जो सिक्कों का प्रचलन था विनिमय के लिए, तो उसमें से एक तो मुद्राएं दी हुई है और दूसरी रियासत दी हुई है, कि कौन सी पर्टिकुलर जो मुद्राएं हैं करेंसी है वो कौन सी रियासत में उसका यूज होता था। तो यहां पर देखिए विजयशाही बीकानेर, तो यही करेक्टली मैच नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर विजयशाही जो सिक्का है वो जोधपुर के शासक विजय सिंह के समय इसका प्रचलन प्रारंभ हुआ और ये आपका जोधपुर रियासत से संबंधित है ना कि बीकानेर में। अगर आपसे बीकानेर का पूछा जाए तो बीकानेर का जो सिक्का है वो क्या नाम है, आलम शाही सिक्का है, ये आपका कहाँ का प्रचलित है, बीकानेर का, ध्यान में रखना है आपको अच्छी तरीके से। इसके अलावा अकेशाही जैसलमेर, झाड़शाही जयपुर, बहुत ही महत्वपूर्ण है जयपुर का झाड़शाही सिक्का, कई बार आपसे पूछा जाता है, और गजशाही सिक्का है ये जोधपुर का है, आप सभी को पता है। आप कमेंट करके बताइए कि इकतीसंदा जो सिक्का है जिसे इकतीसंदा रुपया भी कहते हैं, ये सिक्का किस रियासत से संबंधित है। अगला प्रश्न है रक्तचाप जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं इंग्लिश में, और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्च मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है, विकल्प है मेड्यूला ओब्लॉगेटा, सेरेबेलम, सेरेब्रम पोन्स, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा मेड्यूला ओब्लॉगेटा जो कि मस्तिष्क का पीछे वाला पार्ट होता है, अनिश्चित जो भी क्रियाएं होती है ठीक है उसको कंट्रोल करने का कार्य है इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 राजस्थानी भाषा के लिए किसे दिया गया है, तो 2021 के जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है, कि राजस्थानी भाषा का 2021 का साहित्य पुरस्कार जो दिया गया है वो मिठेश निर्मोही को दिया गया है, विकल्प नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आप भी कमेंट बॉक्स में सही जवाब क्या होगा उस सही जवाब को कमेंट बॉक्स में लिखते हुए जाए। नेक्स्ट है सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास किस दुर्ग में स्थित है, विकल्प एक है सोनारगढ़ दुर्ग, दो है जालौर दुर्ग, बाला किला और मेहरानगढ़ दुर्ग, तो जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग जिसे स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, इसी दुर्ग में आपका सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास इत्यादि महल स्थित है ठीक है। इसके अलावा सोनारगढ़ दुर्ग, जैसलमेर ये सबसे ज्यादा बुर्जों वाला दुर्ग है, इस दुर्ग के 99 बुर्ज हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है काफी बार। बाला किला अलवर में स्थित है, जालौर दुर्ग जालौर में स्थित है ठीक है, और जालौर का प्राचीन नाम आप सभी को पता होगा जाबालीपुर है। मेहरानगढ़ दुर्ग आपका जोधपुर में स्थित है, चिड़िया टोंक पहाड़ी पर, इसे म्यूर ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है राजस्थानी भाषा और साहित्य से संबंधित, कि कुवल्यमाला ने में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो ये प्रश्न आपसे कहाँ से पूछा गया है, राजस्थानी भाषा और साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। राजस्थानी भाषा के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो राजस्थानी भाषा का इतिहास पढ़ते हैं, राजस्थानी भाषा का उद्भव पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि 835 विक्रमी संवत 835 के आसपास में उद्योतन सूरी ने कुवल्यमाला नामक ग्रंथ की रचना की, और उन्होंने कुल 18 भाषाओं का उसमें उल्लेख किया है, और 18 भाषा में से एक पश्चिमी राजस्थान के लिए इन्होंने मरुभाषा का भी उल्लेख किया है जो वर्तमान में राजस्थानी के रूप में जानी जाती है ठीक है।
तो राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीनतम उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? आपसे इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाए तो उद्योतन सूरी की कोलियामाला में राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, जिसका नाम है, इन्होंने बताया है, उद्योतन सूरी ने मरु भाषा, और इसमें कुल 18 भाषाओं का, 18 भारतीय भाषाओं का उल्लेख है। और दूसरा आपसे प्रश्न पूछा जाए, काफी बार पूछा भी गया है, कि राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने किया था राजस्थानी भाषा का? तो वो किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। कब किया था? 1912 में। कहां पर किया गया था? बुक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा का सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। ये भी आप राजस्थानी भाषा के संबंध में बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। एक प्रश्न के आसपास और भी महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट्स इम्पोर्टेंट होते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से, वो भी आपको साथ ही साथ बताया जा रहा है, ताकि आपका और भी आसपास में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है वो कवर होते रहें। महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड कब स्थापित की? तो महाराणा प्रताप, आज जो आज की तारीख है 18 जून, इसी दिन महाराणा प्रताप ने अकबर के सेनापति मान सिंह के साथ में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। तो उनसे ही संबंधित ये प्रश्न है कि प्रताप ने अपनी जो नवीन राजधानी है वो चावंड स्थापित की। तो आपको ये प्रश्न इस प्रकार से भी ध्यान में रखना है कि महाराणा प्रताप के द्वारा स्थापित नवीन राजधानी थी, तो नवीन राजधानी कहाँ थी? चावंड थी। जो कब अस्तित्व में आई, कब स्थापित की, वो स्थापित की थी 1585 ईस्वी में, और ये राजधानी कब तक रही? 1615 में, जब तक कि अमर सिंह जहांगीर से संधि नहीं कर लेते हैं, ठीक है। 1585 से 1615 तक ये राजधानी रही थी आपकी मेवाड़ की, चावंड, ठीक है। 1582 में अकबर के द्वारा चित्तौड़ पर और आक्रमण किया जाता है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में दिवेर का युद्ध होता है, जिससे मेवाड़ का मैराथन कहा था कर्नल जेम्स टोड ने, और 18 जून 1576 को मेवाड़ की थर्मोपल्ली के नाम से प्रसिद्ध हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आगे भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण है, राजस्थान की लोक कला से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। बेवाण क्या है? लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बैठाया जाता है। विकल्प दो है कपाटों युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति, तो यही इसमें राइट आंसर है। कपाटों से युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा जो आकृति है, इसे ही बेवाण के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान की एक लोक कला से संबंधित हस्तकला है, ठीक है। इसके अलावा और है, खादी के कपड़े पर लोक देवता के जीवन को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करना, इसे कहते हैं फड़ चित्रण, ठीक है। खादी के कपड़ों पर लोक देवता के जीवन को चित्रण करना फड़ चित्रण कहलाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न राजस्थान की पेंटिंग से है, चित्रकला से है। किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया? मैंने आपको अभी बताया था राजस्थान की भाषा का वैज्ञानिक विभाजन, अब आपसे पूछा गया है राजस्थान की पेंटिंग का वैज्ञानिक विभाजन। तो ये कब किया, किसने किया और कौन सी बुक में किया, तीन फैक्ट आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। रीट मेंस राजस्थान जीके का कोर्स कब ला रहे हो? तो राजस्थान जीके के लिए आप किसी भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो राजस्थान जीके की बेहतरीन तैयारी के लिए टॉपिक वाइज 50 टेस्ट हमारी ओम डिजिटल स्टडी लर्निंग एप्लीकेशन पर डाले हुए हैं। तो वो आप अगर ज्वाइन कर लेते हैं और उनके अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो राजस्थान का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें राजस्थान जीके का आप एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं करेंगे। ये आपसे मेरा वादा है। आप अगर पहले जिन्होंने वो कोर्स ले रखा है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है और सभी टेस्ट उन्होंने प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो आज के ही पेपर में एक दो प्रश्नों को छोड़कर आप सारे के सारे प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से उनसे है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैराथन वीडियोज डाले हुए हैं यूट्यूब चैनल पर, उनको भी आप देख लेते हैं,
तो 60-70% राजस्थान का जीके आपका वहीं से कवर हो जाता है। तो अगला जो प्रश्न है, राजस्थान की पेंटिंग का वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर फैयाद अली या आनंद कुमार स्वामी ने। यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। आनंद कुमार स्वामी ने सबसे पहले राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया। वैज्ञानिक विभाजन कहाँ पर किया? तो इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है राजपूत पेंटिंग्स। तो आपसे इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आनंद कुमार स्वामी। और इसी पुस्तक में इन्होंने राजस्थान की जो चित्र शैलियां हैं, पेंटिंग स्टाइल्स हैं, इनका साइंटिफिक रूप से क्लासिफिकेशन किया था। और ये कब किया? तो ये आपको सन भी ध्यान में रखना है, 1916 में राजपूत पेंटिंग्स में आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक रूप से क्लासिफिकेशन सर्वप्रथम किया था। और 1962 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ राजस्थान नामक बुक में किया था। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर फैयाज अली और एरिक डिक्सन, इन्होंने बनी ठनी चित्रकला को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और डॉक्टर फैयाज अली को जाता है। और डॉक्टर श्री थर अंधारे भी मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंध रखते हैं, जो देवगढ़ उपशैली है इसमें इन्होंने काफी योगदान दिया था, डॉक्टर श्रीधर अंधारे ने। नेक्स्ट प्रश्न है, विवान कपूर किस खेल से संबंधित है? राइफल शूटिंग, खो खो, बॉक्सिंग और कबड्डी। तो विवान कपूर है ये राइफल शूटिंग से संबंधित है, ए राइट आंसर हो जाएगा। वंशिक यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट है, लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। तो लोक कला मंदिर आपका उदयपुर में है, भारतीय लोक कला मंडल भी कहते हैं इसे। ठीक है, ये आपका उदयपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न है, युद्धों का सही कालक्रम चुनिए। हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपसे पूछा गया है। तो देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध आज ही के दिन 18 जून 1576 को लड़ा गया था। तो सॉरी, 1576 को, 1576 हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, खानवा का युद्ध 1527 में, और तराइन का द्वितीय युद्ध है ये 1192 में हुआ। तो इसको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, यानी कि सबसे पहले कौन लड़ा गया, उसके बाद में कौन सा, उसके बाद में कौन सा। तो सर्वप्रथम आपका हो जाएगा तराइन, उसके बाद में खानवा और उसके बाद में हल्दी घाटी। तो 3-2-1, यानी कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न अगर देखा जाए आज के पेपर को, तो थोड़े से आपको विकल्प है बड़े बड़े दिखने को मिलेंगे, लेकिन अच्छी तरीके से ध्यान में है, याद है, तो आपको किस प्रकार से भी प्रश्न घुमा फिरा के पूछे, आप निश्चित तौर पर उसका जवाब है वो दे पाएंगे। अगला प्रश्न है, रामिश्नोई संप्रदाय की जो रेण शाखा है उनके प्रवर्तक कौन थे? तो रामिश्नोई संप्रदाय की जो रेण शाखा है उसके प्रवर्तक थे संत दरियाव जी। रेण आपका नागौर में स्थित है। तो रामिश्नोई संप्रदाय से संबंधित बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो चारों शाखाएं दी जाती है और आगे उनके प्रवर्तकों को दे दिया जाता है, और कौन सा असंगत है इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, रामिश्नोई संप्रदाय की रेण शाखा के संस्थापक संत दरियाव जी है। इसके अलावा भी चार विकल्प दे रखे हैं, तो इनको देख लेते हैं। संत हरिदास जी, संत रामचरण जी और संत हरिराम दास जी। तो संत हरिराम दास जी रामिश्नोई संप्रदाय की एक शाखा है जिसका नाम है सिंहथल, ये आपकी बीकानेर में पड़ती है। संत रामचरण जी रामिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं, इनके प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। और संत हरिदास जी ये आपके निरंजनी संप्रदाय से संबंधित हैं, इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि संत हरिदास का संबंध है, तो निरंजनी संप्रदाय से है। हरिपुरुष की वाणी और मंत्र राज प्रकाश इन्होंने ग्रंथ लिखे थे। ठीक है, जीके कैसा रहेगा लेवल, लैब असिस्टेंट का? तो लैब असिस्टेंट का भी आप इस प्रकार से ही देख सकते हैं, ऐसा ही लेवल है वो रहने वाला है। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपको फैक्ट अच्छी तरीके से याद है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग,
तो आपको किसी भी प्रकार से प्रश्न घुमा फिरा कर पूछे आप अच्छी तरीके से जवाब दे पाएंगे। और इस प्रकार से अलग अलग जो पैटर्न वाले अलग अलग जिस प्रकार से क्रमानुसार करवाया जाता है या असंगत या फिर कूटों वाले प्रश्न, तो सभी प्रकार के जितने भी प्रश्नों का फॉर्मेट बन सकता है वो उस सारे टाइप के फॉर्मेट है वो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में दे रखे हैं। और लैब असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज भी हमने स्टार्ट कर रखी है तो उसमें भी आपको ये चीजें हैं वो मिलती रहेगी। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें उससे पहले आप मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा अवश्य दें ताकि आपको एक पता चल सके कि किस प्रकार से हमें प्रश्न को अटेम्प्ट करना है, कहाँ पर हमें गलतियां हो रही है और उस गलतियों को कैसे हम सुधारा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है, बतुल बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन परंपरा से है? तो बतुल बेगम हाल ही में काफी चर्चा में रहे थे। ठीक है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है इस दिन 8 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा बतुल बेगम को राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार से विभूषित किया गया था। इसलिए ये सवाल आपसे पूछा गया है करंट से रिलेट करके। तो बतुल बेगम का संबंध मांड गायन से है और इस प्रश्न को आपका जो टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है उनसे रिलेट करके भी देख सकते हैं कि आपकी सिलेबस में राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व दे रखे हैं और उनसे संबंधित ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो बतुल बेगम का संबंध है मांड गायन से। इसके अलावा अल्लाह जिल्लाई बाई इनका भी संबंध मांड गायकी से है, आपको अच्छी तरीके से ध्यान होगा। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में था? दौसा, झुंझुनू, गंगानगर और धौलपुर। तो न्यूनतम जो सेक्स रेशियो है 0 से 6 आयु वर्ग का वो तो आपका किसका था? झुंझुनू का। ठीक है, कितना है? 837, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं 1000 बच्चे उन पर जो बच्चियों की बालिकाओं की जो संख्या है वो 837 है। ठीक है, और 0 से 6 आयु वर्ग का औसत जो लिंगानुपात है वो 888 है, आपको ध्यान में रखना है। सबसे अधिक लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग का बांसवाड़ा का है। किसका है? बांसवाड़ा का। कितना? 934। हम ऑल ओवर लिंगानुपात की चर्चा नहीं कर रहे हैं, 0 से 6 आयु वर्ग की चर्चा कर रहे हैं। तो 0 से 6 आयु वर्ग का औसत लिंगानुपात 888 है, न्यूनतम झुंझुनू का 837, अधिकतम बांसवाड़ा का 934 है, आपको ध्यान में रखना है। आप कमेंट करके बताइए कि राजस्थान का ऑल ओवर जो सेक्स रेशियो है वो कितना है, औसत लिंगानुपात कितना है। नेक्स्ट, राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया है? जो प्री कैम्ब्रियन रॉक्स हैं यानी कि राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला है ये अरावली पर्वतमाला प्री कैम्ब्रियन चट्टानों से निर्मित बताई है और इनके संबंध में ये जो प्री कैम्ब्रियन चट्टाने हैं इनका जो बेसिकली डिस्क्राइब है वो किया है A.M. हेरोन ने। ठीक है, बनास बेसिन को तृतीय पेनिप्लेन के रूप में इन्होंने परिभाषित किया, ये A.M. हेरोन है। ठीक है, जहां पर प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का नाम आए तो आप A.M. हेरोन को ही सेलेक्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान में, और दूसरी बात ध्यान में रखिए कि जो विशाल सीमा भ्रंश है अरावली के दक्षिण पूर्व का, ठीक है, तो उस विशाल सीमा भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट को इन्होंने A.M. हेरोन ने थ्रस्ट नाम दिया है। क्या नाम दिया है? थ्रस्ट, TH.RUST। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली राजस्थान की अवनी लेखरा को राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है राज्य सरकार ने। ठीक है, तो बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को कहां पर किया गया? तो ये किया था आपका चोप गांव जयपुर में। ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आपका गुजरात में है, मोढेरा स्टेडियम, जिसका नाम परिवर्तित करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी एक प्रतिऑक्सीकारक नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट कौन सी नहीं है? सेलेनियम,
लाइकोपिन, एस्टार एस्पार्टेम और विटामिन ई। तो इसमें आपका सी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि जो जलवायु वर्गीकरण है मोस्टली राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो जलवायु वर्गीकरण है वो कोपेन का पूछा जाता है। इस बार थॉर्नवेट का पूछ लिया, तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की नकल ही थॉर्नवेट ने की थी, तो इसमें ज्यादा कुछ अंतर है नहीं। DAW जलवायु जो प्रदेश है वो मध्यवर्ती राजस्थान को परिभाषित करता है। EAD जलवायु प्रदेश पूर्वी राजस्थान, ये बिल्कुल ही गलत है। EAD है ये आपका पश्चिमी राजस्थान का जो शुष्क जलवायु क्षेत्र है उसको रेखांकित करता है। तो यहाँ पर EAD जलवायु प्रदेश पश्चिमी राजस्थान हो जाएगा, ना कि पूर्वी राजस्थान। अगला प्रश्न है, दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है, पैर, नाक, कान और अंगुली। तो दामना क्या है, ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है। तो दामना एक आभूषण है, स्त्रियों का ऑर्नामेंट है, जो कहाँ पर पहना जाता है, तो हाथ की उंगलियों में पहना जाता है। बींटी हो गई, अरसी हो गई, दामना हो गया, ये हाथ की उंगलियों के आभूषण है। ठीक है, और एक है दामणी। एक बार प्रश्न पूछा गया था कर्मचारी चयन बोर्ड ने कि मारवाड़ में दामणी क्या है। ठीक है, तो मारवाड़ में दामणी है ये ओढ़नी का एक प्रकार है, आपको ध्यान में रखना है। दामणी ओढ़नी और दामणा है आभूषण ऑर्नामेंट। नेक्स्ट, कौन सा असत्य है, माही कंचन राजस्थान में चावल की उच्च उत्पादकता देने वाली किस्म है, यही असत्य है। आपको पता होगा काफी बार प्रश्न पूछा जाता है माही कंचन और माही धवल, ये राजस्थान कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा बांसवाड़ा में मक्का की दो किस्में हैं, माही कंचन और माही धवल। ये किसने इसको प्रोड्यूस किया है, निर्माण किया है, तो राजस्थान कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा बांसवाड़ा में निर्मित मक्का की उच्च वैरायटी वाली एक किस्म है माही कंचन और माही धवल, ना कि चावल की। ठीक है, तो यहाँ पर चावल की जगह अगर मक्का होता तो इसका राइट आंसर था। आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल सही है। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है जिसे हाड़ौती के पठार के नाम से भी जाना जाता है, इसमें मुख्यतः मक्का, कपास, सोयाबीन, इनकी खेती, इसके अलावा अफीम की खेती भी यहाँ पर होती है। सूरतगढ़ कृषि फार्म की स्थापना रूस की सहायता से की गई है, ये भी बिल्कुल सही है। और यांत्रिक कृषि गंगानगर जिले में प्रचलित है, जो मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर है वो आपकी कहाँ की है, गंगानगर जिले की। तो इसमें असत्य पूछा गया था, तो एक ही राइट था। तो आपसे इस प्रकार से प्रश्न घुमाओ कितना ही, लेकिन अगर आपको सीधे तौर पर यह पता था कि माही कंचन और माही धवल मक्का की किस्में हैं, तो आप सीधे तौर पर इस सवाल के जवाब को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है, रेड येलोविश सोयल, राजस्थान में कहां पर मिलती है। सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, सिरोही, अजमेर, टोंक, जयपुर। सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर में। तो लाल पीली जो मृदा है वो सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर जिलों में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा एक तो लाल लोमी मृदा, लाल लोमी जिसे लाल दोमट मृदा के नाम से भी जाना जाता है, तो लाल लोमी मृदा आपकी उदयपुर और डूंगरपुर जिलों में देखने को मिलती है। ठीक है, और लाल पीली है ये सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर में प्रमुख रूप से पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना का 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ किया गया था। तो 19 दिसंबर 2021 को महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा आई एम शक्ति उड़ान योजना शुरू की गई थी। क्या है आई एम शक्ति उड़ान योजना, और इस योजना का संबंध किससे है, सेनेटरी नेपकिन से। बालिकाओं को निःशुल्क सेनेटरी नेपकिन प्रोवाइड करवाया जाना इस योजना का प्रमुख ध्येय है। ठीक है, आई एम शक्ति उड़ान योजना जो कि 19 दिसंबर 2021 को स्टार्ट की गई थी। वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित बहुत ही ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पहले भी काफी बार को
पूछा जा चुका है और आगामी परीक्षाओं में भी कई बार ये रिपीट होगा, तो आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सर पीडीएफ दे देना। बिल्कुल पीडीएफ दे देंगे, लेकिन आप इन प्रश्नों का जो सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं उन्हें इत्मीनान से ढंग से एक बार अगर देख लेंगे तो पीडीएफ को आपको फिर से देखने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रश्न आपके दिमाग में यहीं से फिट हो जाएंगे, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, लेकिन आप कोशिश करें कि इस क्लास में ही सारे के सारे प्रश्न आप याद कर लें। इसके अलावा जो भी मैं फैक्ट बता रहा हूं वो भी आप साथ ही साथ याद करते हुए जाएं। जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह एग्रीमेंट 1942 में हुआ। देखिए मित्रों, यहां पर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो वही प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उन प्रश्नों के आसपास से उठाकर ही आगामी परीक्षाओं में प्रश्न डाले जा रहे हैं। और जितने भी मैंने वीडियो डाले हैं आज से 2 साल पहले भी, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप वीडियो देख सकते हैं, तो उसमें भी आपको जो सीधे तौर पर प्रश्न पूछे गए हैं उसके आसपास में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो आपको बताए गए हैं, और वही चीजें वही फैक्ट आपको आगामी परीक्षाओं में काफी हेल्प कर रहे हैं। जैसे कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ, जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ, जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किससे है, या फिर आजाद मोर्चा कब गठित हुआ, किसके लिए गठित हुआ। तो ये जो चीजें हैं ये काफी बार पूछी जा चुकी है, और इसके आसपास में जो भी चीजें हैं वो भी हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो अगर वो चीजें आपने अच्छे से देख ली है तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी कूट वाले कितने ही दे आप अच्छे से इसका उत्तर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में क्या पूछा है, कौन सा सत्य नहीं है? तो ये एग्रीमेंट 1942 में हुआ था, बिल्कुल सही है, 1942 में हुआ था। इसका संबंध झालावाड़ रियासत से कतई नहीं, इसका संबंध है वो जयपुर रियासत से है, इसलिए दो तो असत्य है ही। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी, ये भी इसमें कहा गया है। तो इसमें सत्य नहीं पूछा है, तो सत्य नहीं केवल दो है। क्यों दो है? क्योंकि देखिए 1942 में क्या हुआ था, राजस्थान प्रजामंडल के प्रमुख एक नेता जिसका नाम है हीरालाल शास्त्री, जयपुर प्रजामंडल, सॉरी, जयपुर प्रजामंडल के प्रमुख नेता हीरालाल शास्त्री ने जयपुर के प्रधानमंत्री जिसका नाम था मिर्जा इस्माइल, उनके बीच में एक समझौता किया जिसका नाम था जेंटलमैन एग्रीमेंट। ये 1942 में हुआ था, और इसमें ये कहा गया था कि इस समझौते में ये कहा गया कि अंग्रेजों को, हीरालाल शास्त्री ने कहा कि आप अंग्रेजों की मदद करना बंद करें, ठीक है, अगर आप अंग्रेजों की मदद करना बंद करेंगे तो हम प्रजामंडल आंदोलन को रियासती सरकार में ही मिला देंगे, ठीक है। तब क्या हुआ कि जयपुर की रियासत ने अंग्रेजों की मदद तो बंद कर दी, लेकिन हीरालाल शास्त्री के साथ में और भी प्रजामंडल आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने ये कहा कि हम जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उसमें हम हिस्सा लेंगे, लेकिन हीरालाल शास्त्री ने कहा था हम भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे। इसी को चलते हुए इनके बीच में काफी मतभेद भी उत्पन्न हुए, और 1942 में बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरुद्ध में एक मोर्चा खोल दिया जिसका नाम था आजाद मोर्चा, ठीक है। तो आजाद मोर्चा और जेंटलमैन एग्रीमेंट है, ये दोनों दो अलग गुट हो गए, पक्ष हो गए, और 1945 में जाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समझौता करके इससे आजाद मोर्चे को वापस हीरालाल शास्त्री के साथ में जयपुर प्रजामंडल के रूप में पुनः ये लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है आपसे, और बहुत ही सिंपल सा है कि इसका संबंध झालावाड़ से नहीं है, जयपुर से है, ठीक है। तो यहाँ पर दो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, ये भी राजस्थान के प्राचीन मंदिरों से संबंधित, राजस्थान की स्थापत्य कला से संबंधित प्रश्न पूछा गया है आपसे। सर इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी डालें आप एग्जाम में आए हुए, प्लीज इट्स माई रिक्वेस्ट। ज्योग्राफी और
इंडियन ज्योग्राफी, इनके जो प्रीवियस पेपर का कंपाइलेशन है वो आपको हमारे ओम डिजिटल स्टडी जो वेबसाइट है वहां पर आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं वहां पर। ठीक है, कुछ एक प्रश्न है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, तो इतने है नहीं, जो वीडियो और पटवार के एग्जाम वगैरह है इनमें कुछ एक प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, और आप जैसे वीडियो की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो मेंस की टेस्ट सीरीज में वो सारे के सारे प्रश्न है वो ऐड किए हुए आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, आबानेरी के संदर्भ में कौन से विकल्प सही है? यहाँ निर्मित हर्षद माता मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनवाया था। यहाँ की चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पीपलाद माता का प्रसिद्ध मंदिर है। तो यहाँ पर भी कूट डाला गया है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आइए देखते हैं विकल्प नंबर एक, यहाँ निर्मित हर्षद माता का मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनवाया था। तो यह बात भी बिल्कुल सही है, आबानेरी में हर्षद माता का मंदिर है जो कि गुर्जर प्रतिहार कालीन है। काफी बार पूछा गया है कि आबानेरी स्थित हर्षद माता का मंदिर किस काल का है, तो गुर्जर प्रतिहार कालीन है और उन्हीं के सामंत थे चौहान, और चौहानों ने ये मंदिर बनवाया था 8वीं 9वीं सदी के आसपास में। और आपसे पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो सामंत का नाम था राजा चंद्र। ठीक है, चौहान चंद्र ने आबानेरी में स्थित हर्षद माता का मंदिर का निर्माण करवाया और अपने ही नाम पर इन्होंने एक बावड़ी का निर्माण करवाया जिसका नाम है चांद बावड़ी। ठीक है, ये विश्व की सबसे गहरी और बड़ी बावड़ी है जो कि विश्व प्रसिद्ध है, आबानेरी में स्थित है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि जो हर्षद माता का मंदिर है ये मंदिर मूलतः किसका मंदिर था, तो ये मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर था। ठीक है, हर्षद माता का मंदिर मूल रूप से विष्णु का मंदिर था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर पीपलात माता का मंदिर नहीं है, हर्षद माता का मंदिर है। पीपलात माता का मंदिर लाल चोट दोसा में है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से विकल्प सही है? एक और दो सही है, तीन यहाँ पर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वर्गीय हिस्सामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्ध हस्त कलाकार थे? तो हिस्सामुद्दीन जिसके पीछे उस्ता भी लगाया जाता है, ये उस्ता के सिद्ध हस्त कलाकार थे। सी राइट आंसर हो जाएगी। उस्ता राजस्थान की क्या है? हस्तशिल्प कला है। ऊंट की खाल पर सूक्ष्म जो चित्रांकन होता है उसे उस्ता कला कहा जाता है। ठीक है, थेवा कला आपकी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। ठीक है, बेल्जियम कांच पर सूक्ष्म जो चित्रांकन होता है सोने का उसे थेवा कला कहते हैं, मिनिएचर होती है ये, और मीनाकारी है ये आपकी मानसिंह के काल की है, जयपुर की प्रसिद्ध है, और कुदरत सिंह इसके प्रमुख आपके सिद्ध हस्त कलाकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राजस्थान के जो पुरा स्थल है और उससे संबंधित जिले दे रखे हैं, यहाँ जोधपुरा जयपुर में है, बिल्कुल सही है। ओजियाना चित्तौड़ में, यहाँ पर यही सुमेलित नहीं है। ओजियाना कहाँ है? ये आपका भीलवाड़ा में है, पुरातात्विक स्थल ओजियाना भीलवाड़ा में। सुनारी झुंझुनू में है, गिलुंग आपकी राजसमंद में है। ठीक है, नेक्स्ट, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान है। तो आश्रम पट्टन के नाम से आपका केशवराय पाटन जाना जाता था, यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, झालरा पाटन। इसे प्राचीन काल में यानी कि मध्य काल में ब्रिजनगर के नाम से जाना जाता था, भीनमाल को श्रीमाल कहा जाता था, और विराट नगर जिसे वर्तमान में विराट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनपाई, तो पहला मैमल जिसका क्लोन किया गया था वो था भेड़, और उसका नाम क्या था? डोली। डोली भेड़ का पहली बार क्लोन किया गया था। ठीक है, क्लोन यानी कि कॉपी उसकी। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए संस्था और संस्थापक दे रखे हैं, तो इस टाइप के प्रश्न भी आपको बहुत बार टेस्ट सीरीज में भी इनकी प्रैक्टिस करवाई गई है। संस्था, उनके संस्थापक, संस्था वो कहाँ अवस्थित थी। ठीक है, इसके अलावा संस्था, उसकी स्थापना कब हुई, इस प्रकार से वेरियस टाइप के क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करवाए गए थे। तो देखिए, राजस्थान सेवा संघ, देश हितेशिनी सभा, वीर भारत सभा, सर्व हितेशिनी सभा। तो यहाँ पर राजस्थान सेवा संघ, ये इनके संस्थापक सदस्यों में देखा जाए तो विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकिर थे। तो एक में ए हो जाएगा, ये भी गलत है ए, और
सी भी कट जाता है, नेक्स्ट बी और डी बचा एक में ए, देश हितेशिनी सभा। यह सभा स्थापित की थी आपके मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने विवाह संबंधी जो खर्च होते हैं उसको रोकने के लिए देश हितेशिनी सभा है वो स्थापित की गई थी। तो आपकी देश हितेशिनी सभा सज्जन सिंह यानी कि बी में चार है, वो किस में है? बी में है, एक में एक, बी में चार, केवल और केवल बी में है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारट करते हैं, और सर्वहितेशिनी सभा जिसे सर्वहितकारिणी सभा के नाम से भी जाना जाता है, मोस्टली आपको सर्वहितकारिणी सभा, ठीक है, सर्वहितकारिणी सभा, इनकी जो संस्थापक है वो स्वामी गोपाल दास है। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि ये जो संस्था है ये संस्था कब स्थापित हुई, किसने इसकी स्थापना की, वो तो हमने यहाँ पर देख लिया। कब स्थापित हुई वो मैं आपको बता देता हूं। तो राजस्थान सेवा संघ 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में स्थापित होती है। 1920 में इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय है, वो वर्धा से हटा करके आपका अजमेर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। देश हितेशिनी सभा ये आपकी जुलाई 1877 को मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने स्थापित की थी। वीर भारत सभा ये कब स्थापित हुई, 1910 में केसरी सिंह बारट के द्वारा। और सर्वहितेशिनी सभा या सर्वहितकारिणी सभा ये चूरू में स्थापित की थी। आरपीएससी ने इसे 1907 माना है दो तीन सवालों में, और आपकी स्टैंडर्ड बुक है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की, उसमें 1913-14 दे रखा है, ठीक है। तो सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना स्वामी गोपाल दास ने चूरू में की थी। तो ये चीजें भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, आगामी परीक्षाओं में यही पूछे जाएंगे आपसे, सुमेलित करवाएंगे संस्था और उसके स्थापना वर्ष को। नेक्स्ट, हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन माना जाता है, तो 19वीं शताब्दी की देन माना जाता है हवेली चित्रकला, यानी कि जो विभिन्न हवेलियां हैं, जैसे कि आप जैसलमेर की हवेली देख सकते हैं या फिर आप शेखावटी की हवेलियां देख सकते हैं, ठीक है, डूंडलोध हो गया आपका, इसके अलावा मानसेसर हो गया, तो यहाँ पर आपकी हवेलियां हैं। तो ये जो हवेलियों पर जो चित्र पेंटिंग होती है तो ये आपके लगभग 19वीं शताब्दी यानी कि 1850 या 1860-70-80 के आसपास में ये आपकी मेनली शुरू होती है, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत गृह कौन सा है, थर्मल पावर स्टेशन जो राजस्थान का सबसे बड़ा है, पहले तो था आपका छबड़ा, उसके बाद में वापस होता है सूरतगढ़, तो यहाँ पर राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत गृह हो जाएगा सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, किन वनों को अक्सर पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है, तो लंग्स ऑफ द प्लेनेट, ये अमेजोन के वर्षा वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। आपने कई दफा इस प्रकार से रिपीटेड सवाल को पढ़ा होगा। सांबर झील के संबंध में सवाल पूछा है कि सांबर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये तो आपने कई बार पढ़ रखा है, लेकिन इसमें एक और कथन है वो ऐड कर दिया है। कथन ए में पूछा है कि सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, बिल्कुल सही बात है। सांबर झील 74 से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है, यह भी बिल्कुल सही है। अगर अक्षांशीय दृष्टि से बात करें तो 27 डिग्री से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय बात करें तो 74 से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य आपकी सांबर झील स्थित है, जो कि जयपुर और नागौर में फैली हुई है। तो कथन ए और आर दोनों सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा जीव काला अजार बीमारी का कारण है, तो काला अजार डिजीज का कारण है लिशमैनिया, बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की अवस्थिति से संबंधित आपसे सवाल पूछा गया है, अक्षांश और देशांतरीय विस्तार। तो आप सभी को पता है राजस्थान का उत्तरी अक्षांश, राजस्थान का जो दक्षिणतम जिला है वो कौन से अक्षांश पर है, उत्तरी जिला कौन से अक्षांश पर है, पूर्वी और पश्चिमी जिले कौन से देशांतर पर हैं, तो आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से इसके बारे में जानकारी होगी ही। तो देखिए, बांसवाड़ा जिला राजस्थान का दक्षिणतम जिला है, जो कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, तो फर्स्ट में थर्ड हो जाएगा, वो केवल ए और डी में दे रखा है, तो बी और सी कट जाएगा पहले ही। जैसलमेर जिला है जो कि राजस्थान का पश्चिमी जिला है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर है, तो
बी में आपका 2 हो जाएगा, एक में 3 और बी में 2, ए और बी इसमें भी है। धौलपुर सबसे पूर्वी जिला है जो कि 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी अक्षांश पर, और गंगानगर उत्तरी जिला है जो कि 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। नेक्स्ट, 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था? तो सिसोदिया राठौड़ का जो अलायंस हुआ था 17वीं शताब्दी के मध्य, ठीक है, विशेष तौर पर अगर बात करें तो 1669 में राज सिंह और औरंगजेब के मध्य जो चारुमति प्रकरण होता है, उसके बाद में 1679 में जजिया कर लगा देता है औरंगजेब, उसी के विरोध में औरंगजेब और महाराणा राज सिंह के मध्य काफी मतभेद होते हैं। पहले तो औरंगजेब ने इस राज सिंह को जात और सवार भी दिए थे, 6,000 का मनसब भी प्रदान किया था, लेकिन ये दो चीजें घटित होती है तो उसके बाद में इनका मतभेद होता है। और इसी के बीच में, इसी के साथ साथ में आपका सिसोदिया यानी कि मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में गठबंधन होता है, अलायंस होता है, विशेष करके औरंगजेब से लड़ने के लिए, जब अजीत सिंह को कैद कर लिया जाता है तो उसे छुड़वाने के लिए। ठीक है, तो उस प्रकार का जो सिसोदिया राठौड़ गठबंधन है वो आपका मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रथम के काल में देखा जाता है। ठीक है, जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान के किस जिले को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपको इस पेपर को देख करके ये भी क्लियर हो गया कि प्रश्न कहाँ तक पूछे जा रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूछते हैं कि सर करंट अफेयर्स कहाँ तक का पढ़े, तो मेनली आपको पीछे से 1 वर्ष तक का करंट अफेयर्स है वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, 1 वर्ष, और 1 वर्ष से पहले भी अगर कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट घटनाएं घटित हुई है तो वो भी आपको देखना है। तो ये जून 2021, अभी जून 2022 है और जून 2021 की चीज यहाँ से आपसे पूछी गई है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में दूसरा स्थान राजस्थान के डूंगरपुर जिले को प्रदान हुआ है। इस योजना के तहत उन्होंने लगभग 93,000 बेघरों को आवास प्रदान किया है इस योजना के तहत। ठीक है, और ये राजस्थान का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान का नंबर 1 जिला है और देश का नंबर 2। नेक्स्ट, जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन जयपुर में कब किया गया? तो अप्रैल 2022 को जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन है वो जयपुर में किया गया था। नेक्स्ट, भाखड़ा नांगल जो नहर परियोजना है इसके संबंध में कौन से कथन सत्य है? तो ये नहर पंजाब हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, काफी बार हम बता चुके हैं आपको, पहरा पंजाब हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना भाखड़ा नांगल नहर है। ठीक है, इससे हनुमानगढ़ जिले को सिंचाई प्राप्त होती है? बिल्कुल, हनुमानगढ़ भी होती है और हनुमानगढ़ के आसपास वाले जिलों को भी होती है। ठीक है, अगर यहाँ पर दे रखा होता कि इससे केवल हनुमानगढ़ जिले को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है तो ये विकल्प भी आपका गलत हो जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका राजस्थान का हिस्सा है 17.22%, तो 17 नहीं है, 15.22% राजस्थान का हिस्सा है, और ये 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करती है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर जो सत्य है वो है ए बी और डी, यानी कि विकल्प ए यहाँ पर 15.22 है, ना कि 17.22, इसलिए ये गलत हो जाता है। सर लैब असिस्टेंट के लिए कुछ बता दो फर्स्ट पेपर के लिए प्लीज। लैब असिस्टेंट के लिए फर्स्ट पेपर के लिए आप मैराथन वीडियोस को देख सकते हैं, राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का, और एक है राजस्थान की ज्योग्राफी का। ठीक है, उस वीडियो को आप बहुत ही अच्छी तरीके से देख लीजिए, लैब असिस्टेंट के सिलेबस को बहुत ही अच्छी तरीके से आपका कवर करेगा। ए पार्ट में जो ज्योग्राफी के लिए है या फिर साइंस वालों के लिए है, तो उसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान आपका काफी बेहतर हो जाएगा, और कुछ मैं आपको वीडियो भी उसके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, और इसके लिए टेस्ट सीरीज भी मोबाइल एप्लीकेशन पर चल रही है। ठीक है, तो वो टेस्ट सीरीज आप अच्छी तरीके से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही सोने पर सुहागा है। उससे आप यकीन मानिए 90% तक के जो कंटेंट है टेस्ट सीरीज से आपको मिल जाएगा। प्रत्येक टॉपिक के आसपास में जितने भी संभावित प्रश्न है, जितने भी प्रीवियस एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे, सारे के सारे प्रश्नों को एक ही जगह पर आपका वहां पर कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड करवाया गया है। नेक्स्ट है, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? ठीक
तो रामचंद्र सेन को मारवाड़ का भूला बिसरा शासक कहा जाता है और इसे महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है, ठीक है। और मारवाड़ का प्रताप भी रामचंद्र सेन को कहा जाता है। महाराणा अजीत सिंह को बात करें तो इसे कान का कच्चा कहा जाता है, कान का कच्चा, क्योंकि दुर्गादास राठौड़ ने इसको मुगलों की कैद से छुड़वाया था और फिर इन्होंने लोगों के बहकावे में आकर लोगों की बातों को सुनकर दुर्गादास राठौड़ को ही अपनी राज्य से निकाल दिया था, ठीक है। इसलिए अजीत सिंह को कान का कच्चा और रामचंद्र सेन को मारवाड़ का भूला बिसरा शासक कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में राणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, जंगलों में भटकते रहे, उसी प्रकार से मारवाड़ के भी रामचंद्र सेन थे जिन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार है वो नहीं की, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो पलायन वेग पृथ्वी का 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई भी वस्तु 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से, इससे ज्यादा की गति से अगर हम ऊपर आकाश की ओर फेंकते हैं तो वो वस्तु कभी भी लौट कर वापस पृथ्वी पर नहीं आएगी, पृथ्वी से पलायन कर जाएगी, ठीक है। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, पुस्तक और लेखक के संबंध में असंगत कौन सा है? किरतार बावनी, कवि ईश्वर दास, ये बिल्कुल ही गड़बड़ है। किरतार बावनी के लेखक कौन है? दुर्शा आढा, दुर्शा आढा ने लिखा था किरतार बावनी, ठीक है। कवि ईश्वर दास ने हाला झालारी कुंडलिया नामक ग्रंथ है वो लिखा था। देश दर्पण शंकरदान शामोर, ये एक नया फैक्ट है आप सभी के लिए। देश दर्पण के रचयिता या लेखक कौन है? शंकरदान शामोर है, अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। सूरज प्रकाश की रचना कर्णिधान करते हैं और रघुनाथ रूपक मंचाराम सेवक की रचना है, ये तो वैसे रिपीटेड ही है, ये एक आपको थोड़ा सा नया देखने को मिला है। आगे, अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम होता है जो इमल्सिफाइड वसा को तोड़ता है? तो ये आपका है लाइपेज, बी राइट आंसर हो जाएगा। सर मैंने बहुत बार देख लिया वीडियो कंप्लीट, बट पता नहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है जैसे पेपर आ रहे हैं। बिल्कुल, आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किया करें। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस टेस्ट को देंगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किया करें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से, चाहे आप ऑनलाइन टेस्ट दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से ही आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके प्रैक्टिस करें। आप मार्केट से कहीं से भी, आपको जहाँ प्लेटफॉर्म उचित लगे, अच्छा कंटेंट लगे, वहां से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और प्रैक्टिस जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ सिली मिस्टेक्स जो हो जाती है वो आप प्रैक्टिस से धीरे धीरे है वो इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट है, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर की गई? तो ये आपकी जोधपुर में की गई है, बी राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो आपका इंसुलिन, एड्रिनलिन, बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। एड्रिनलिन जो हार्मोन है इसे आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मानव का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है? दांतों की जो परत होती है जिसे इनेमल कहते हैं, ये मानव का सबसे कठोरतम भाग। और अंतिम जो प्रश्न आपसे पूछा गया है ये राजस्थान की खनिज संपदा से संबंधित है, ठीक है, माइन और मिनरल्स। तो देखिए, डेगाना है ये आपका नागौर में है, टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, फरलोस पार के लिए डूंगरपुर का मांडो की पाल, झामर कोटड़ा जो है ये आपका रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है, और गोट मांगलोद ये जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। जामसर बीकानेर और नागौर का गोट मांगलोद, और गोट मांगलोद में एक माता जी का मंदिर है जिसका नाम है ददीमती, ददीमती माता का मंदिर भी आपका गोट मांगलोद में ही है, ठीक है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने राजस्थान सामान्य ज्ञान, उसके साथ ही कुछ प्रश्न जनरल साइंस के और कुछ प्रश्न करंट अफेयर्स के थे जिसका हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा और आपने तैयारी जो की है और इस पेपर को देख करके आपके कितने क्या प्रश्न सही हो रहे हैं, आपकी तैयारी किस लेवल की है,
वो भी आपको पता चल गया होगा। इस कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दें और भी अपने मित्रों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और जल्द ही हम और लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे लैब असिस्टेंट के एग्जाम को देखते हुए और भी आगामी अपकमिंग एग्जाम को देखते हुए, तो उसके संबंध में भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपकी क्या राय है और क्या समय होना चाहिए लाइव सेशन का। तो आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल। फिर मिलेंगे किसी और नए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक प्लेलिस्ट बना दी लैब असिस्टेंट की फर्स्ट पेपर के लिए प्लीज, जिसमें सब कुछ फर्स्ट पेपर को आ जाना जो बाद में, बिकॉज 7-8 दिन बाकी है। तो बिल्कुल लैब असिस्टेंट की भी मैं एक प्लेलिस्ट आपको बना दूंगा, उस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। और टेस्ट सीरीज इसकी अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। जल्दी से जल्दी आप टेस्ट सीरीज के जितने भी टेस्ट हैं, प्रीवियस जो टेस्ट अपलोड हो चुके हैं उनकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप उससे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफी बेनिफिट है उनसे भी मिलने वाला है। तो आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। नमस्कार। जय हिंद।